दोस्तों करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 2nd of June 2022। तो हम यहाँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम करेंसी मार्केट पर फोकस करते हैं। जो डॉलर इंडेक्स है वीकली क्लोज हमें मिला है 104.6। एक कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, एक डोजी कैंडल मींस ए टाइप ऑफ इंडिसेशंस। प्रायर टू दैट वीक मींस उससे पहले वाला वीक में क्या था, ऑल्दो इट्स ए बुलिश कैंडल बट प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द से पहले, यानी आपका 13th of May में एक बिग नेगेटिव कैंडल था एंड लिटिल प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, थेरबाय मेकिंग द लेवल 104.50 ए सपोर्ट लेवल। अभी क्या हो चुका है, अभी आप पिछले तीन कैंडल को देखोगे, 13th मई का चार्ट, देन 20th मई का चार्ट, देन योर 27th मई का चार्ट। यहाँ पे देखोगे पिछले दो हफ्ते का जो कैंडल यानी प्राइस एक्शन है वो प्रीवियस थर्ड कैंडल के अंदर में इनसाइड बार के हिसाब से बैठे हुए हैं। दैट बीइंग द केस, ये जो इन रेंज मदर कैंडल 13th मई वाला जो वीकली मदर कैंडल, उसका जो रेंज है इट इज वेरी क्रूशियल। किस स्टेप पे क्रूशियल है, जैसे ही आइदर साइड रेंज ब्रेकआउट करेगा, अगर ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट करते हैं विद ए ग्रीन कैंडल और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं विद ए रेड कैंडल, व्हाट एवर मे बी द केस, एक बार स्ट्रॉन्ग क्लोज देने के बाद इन द सेम डायरेक्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू मूव। यानी अगर ये लो कैंडल 104.10, ये जो सपोर्ट लेवल है इसके लो के मींस इस लेवल मींस ये लेवल में आपका एक नेगेटिव कैंडल इसका स्ट्रांग क्लोजिंग देते हैं, इन सच केस आने वाले दिनों में एंड आने वाले हफ्तों में डॉलर इंडेक्स में मूव डाउन टूवर्ड्स 102.7080। ये हो गया डाउनवर्ड साइड। अगर इन केस ये The higher end के means 105.50 के ऊपर एक green candle के साथ close देते हैं, in such a case dollar index is expected to move towards 106.50। So अभी हमें इंतजार करना है कि ये daily close ऊपर में देते हैं या नीचे में देते हैं। अभी आते हैं हमारा GBP dollar में। यहाँ पे जो करंट वीक क्लोज हुआ है वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। स्पिनिंग टॉप जो डोजी भी बोला जाते हैं, जिसमें ये एक पॉज सिग्नल है। इसका मतलब क्या है, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन और लो के नीचे पुल बैक। अगर मंडे ऑनवर्ड्स ये आपका लास्ट वीक के हाई के ऊपर डेली क्लोज देते हैं तो इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 1.2850 से 1.2900। इस लेवल में एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उस रेजिस्टेंस के बाद प्राइस क्या ऊपर की तरफ फर्दर मूव करते हैं या रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके दोबारा पुल बैक करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ये लो के नीचे सस्टेन करते हैं मंडे ऑनवर्ड्स, इन सच ए केस आपका जीबीपी डॉलर में मूव टूवर्ड्स 1.25 से 1.26 की तरफ जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अभी आते हैं आपका जीबीपी आईएनआर में ये जो वीकली क्लोज है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ प्राइस एक्शन का क्लोजिंग है। सो दैट बीइंग द केस, नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लेवल है जो है आपका 106.65 से 106.85 के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है।
क्या प्राइस यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं या इस रेजिस्टेंस को तोड़ के हायर डायरेक्शंस में जाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर इसको हाई को तोड़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो होगा 107.35 से 107.85 के बीच का जोन। अभी आते हैं हमारा यूरो डॉलर। यूरो डॉलर जो क्विकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.0850। यहाँ पे प्राइस एक्शंस क्या बनाया, इट्स ए स्पिनिंग टॉप, इट्स ए डोजी। अभी जैसे हम डॉलर इंडेक्स में डिस्कस किए थे, पिछले दो वीक का जो कैंडल है वो पिछले थर्ड वीक में यानी 13 मई का मदर कैंडल के अंदर में एक्टिविटीज हुआ है, जिसको हम इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर है, लास्ट वीक एज वेल एज द प्रीवियस वीक दोनों का जो प्राइस एक्शन वो आपका 13 मई के रेंज के अंदर में ही एक्टिविटी किया है। दैट बीइंग द केस, अभी ये 13 मई का जो रेंज है, रेंज मींस हाई और द लो, हाई इज बिकमिंग क्रूशियल एज वेल एज द लो। अभी इसका मतलब क्या है, मंडे ऑनवर्ड्स जैसे ही हाई के ऊपर, क्या हाई है आपका 1.09, उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज देते हैं इन सच ए केस यूरो डॉलर, आपका इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 1.10। यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा या ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, जब आएगा फिर हम उसको नए सिरे से एनालाइज करेंगे। ये हो गया ऊपर की तरफ। अभी नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ लो को तोड़ते हैं, दैट मींस 1.0760 के लो के नीचे क्लोज देते हैं इन सच ए केस, ये फर्दर सेलिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्या बट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यानी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन अगर करता भी है तो ज्यादा कुछ रैपिड पेस के साथ डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अभी आते हैं यूरो आयनर। यूरो आयनर आप देखोगे यहाँ पे पिछले दो हफ्ते का कैंडल का एक्टिविटी, ये 13 मई के एक्टिविटी के अंदर में किया हुआ है। एक छोटा सा एक्सेप्शन से 20 मई का जो लो है वो है 89.85 एंड 30 मई का जो लो है आपका 93, यानी ये 20th मई का जो एक्टिविटी लो है वो प्रीवियस वीक के लो के थोड़ा सा नीचे गया। सो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट मींस इनसाइड बार कैंडल, बट इवन देन ये जो 13 मई का रेंज हाई एंड लो बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एंड द एनालिसिस इज सेम। इसके हाई के ऊपर यानी 13 मई के हाई के ऊपर अगर डेली क्लोज देते हैं, देन इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड जर्नी। अगर लो के नीचे, नीचे की तरफ नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं इन सच ए केस, हमें एक डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका यूरो आयनर। अभी हमारा डॉलर येन। डॉलर येन लास्ट वीक में एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ये जो और भी इम्पोर्टेंट जो चीज है, पिछले चार हफ्ते का जो एक्टिविटी है, फिफ्थ वीक वाला दैट मींस 29 अप्रैल वाला जो रेंज है उस रेंज के अंदर में ही है। दैट मींस ये 29 अप्रैल इज बिकम एन इम्पोर्टेंट रेंज, इसका हाई एज वेल एज इसका लो। जब तक डॉलरियन का प्राइस आइदर इसके हाई के ऊपर यानी 160.20 के हाई के ऊपर डेली क्लोज नहीं देते हैं, या लो के नीचे 151.8085 के नीचे नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते, तब तक इसी रेंज के अंदर में प्राइस कंसोलिडेट करेगा, कभी हाँ कभी ना, यानी कभी पॉजिटिव कैंडल्स कभी नेगेटिव कैंडल्स के साथ साइडवेज कंसोलिडेशन इसी रेंज के अंदर में करता रहेगा। अब तो हमें क्या करना है, तो हमें इंतजार होगा ये मदर कैंडल 29 अप्रैल का मदर कैंडल का रेंज ब्रेक एंड जस्ट उसका सेम टाइप बट उल्टा ये येन आएगा।
29 अप्रैल का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में ही पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बन गया। तो बड़ा वाला जो होगा, बड़ा वाला मूव, ये 29 अप्रैल के हाई के ऊपर ऊपर की तरफ, लो के नीचे नीचे की तरफ। आप अगर देखोगे तो ये करंट वीक का जो प्राइस एक्शन है वो आपका प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर में हुआ है। दैट मीन द केस यहाँ पे हमें एक छोटा रेंज मिल रहा है। क्या छोटा रेंज? अगर ये 20th मई का लो के नीचे अगर डेली क्लोज देते हैं तो एक छोटा डाउनवर्ड मूव टूवर्ड्स 1.5 to 3.0 हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाते हैं एंड हाई को तोड़ते हैं, 20th मई का हाई को तोड़ते हैं एंड क्लोज देते हैं विद ए बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का पॉजिटिव कैंडल के साथ, इन सच ए केस देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये दोबारा ये 29 मई के हाई के ऊपर हाई के तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं। ये हो गया येन आईएनआर। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में भी सिमिलर सिमिलर क्या है, ये जो करंट वीक प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर में नीचे एक सपोर्ट लेवल है 1.3836 अभी आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में सिमिलर है, यहाँ पे दो कैंडल, दो वीकली कैंडल इज इनसाइड बार टू द 13th मई वाला मदर कैंडल। सो दैट मीन द केस ये 13th मई का मदर कैंडल बिकम्स इंपॉर्टेंट। अभी इसका हाई दैट इज 0.6715 के ऊपर अगर डेली क्लोज देते हैं, इन सच ए केस एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लो के नीचे क्लोज देते हैं यानी 6575 के नीचे अगर क्लोज देते हैं डेली क्लोज विद नेगेटिव कैंडल, इन सच ए केस ऑसी डॉलर में मूव डाउन टुवर्ड्स 650। अभी क्या होते हैं उसको हमें देखना है। डॉलर सीएनएच, डॉलर सीएनएच में पिछले चार हफ्ते में अपवर्ड बायस देखा गया। अभी हमारा जो कंसर्न है वो है 7.29 से 7.2950, जब तक इसके नीचे है अंडर कंट्रोल। एक बार अगर ऊपर फोड़ गया बहुत ही भयंकर। एक छोटा एनालिसिस, ये जो आपका 29th अप्रैल का रेंज है, दिस इज अगेन ए क्वेश्चन लाइक ये रेंज के हाई के ऊपर एक अपवर्ड बायस टुवर्ड 7.29 2950 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लो के नीचे तो गुड फॉर आवर करेंसी। सो अभी हमें देखना है क्या मंडे ऑनवर्ड्स 7.2650 के ऊपर डेली क्लोज देते हैं विद अ पॉजिटिव कैंडल, अगर देते हैं देन ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा टुवर्ड्स 7.2950। नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड का जो वीकली कैंडल है एक स्मॉल बॉडी स्मॉल रेंज कैंडल बनाया हुआ है आपका। अभी यहाँ पे फ्यूचर्स में एक्चुअली इट इज कैप्चरिंग सैटरडे अर्ली मॉर्निंग का, जिसके लिए दो कैंडल बनाया है। अदरवाइज आप अगर इसको यहाँ पे देखेंगे वीकली कैंडल में, दिस इज द प्राइस एक्शंस। ये प्राइस एक्शंस क्या क्या है, प्रीवियस वीक के रेंज के ऑलमोस्ट अंदर में है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। दैट बीइंग द केस इसके लो के नीचे 80-20-25 के लो के नीचे अगर डेली क्लोज देते हैं एक डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 84-30 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज देखते हैं तो एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द ब्रेंट क्रूड का एक्सपेक्टेशंस। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में ऑल्दो द कैंडल इज ग्रीन इन कलर बट इनवर्टेड हमार बनाया हुआ है प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड। दैट बीइंग द केस यहां पे आप अगर देखोगे ये जो 13th मई का कैंडल का रेंज है, इसके रेंज के अंदर में ही आपका 20th में पूरा का पूरा कंटेन किया था एंड लास्ट वीक का भी मींस मेन बॉडी जो है उसके अंदर में थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ फिजिकल। दैट बीइंग द केस अगर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी को सॉफ्ट होना है तो ये जो 13th मई का लो इज क्रूशियल। इसके लो के नीचे फर्दर सॉफ्टनेस
यूएस टू ईयर ट्रेजरी, यूएस टू ईयर ट्रेजरी में भी आप देखोगे करंट वीक का जो कैंडल है मींस द मेन बॉडी इज मेनली इनसाइड द प्रीवियस वीक्स कैंडल। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और ऑल्सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। जब तक प्राइस ये सपोर्ट जोन एज वेल एज ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं देते हैं तो सॉफ्टनेस के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं डॉलर रुपी। डॉलर रुपी में पिछले हफ्ते में एक बम्पर पॉजिटिव कैंडल प्राइस एक्शंस दिया। अभी जैसे हमने एक इनसाइड बार कैंडल का डिस्कस किया तो आप देखोगे ये जो 18th मार्च का जो कैंडल है इट्स अ मदर कैंडल जिसके अंदर में एंटायर प्राइस एक्शंस उसके बाद 25 मार्च ऑनवर्ड्स मार्च अप्रैल में यानी ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का जो एक्टिविटीज है ये मदर कैंडल के अंदर में दैट बीइंग द केस फॉर ए बिगर पर्सपेक्टिव 18th मार्च का जो हाई एंड लो becomes important. इसका मतलब क्या है? यानी 8370 के ऊपर अगर डेली क्लोज देते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या है ऊपर की तरफ बढ़ने का, और अगर 8280 के नीचे अगर डेली क्लोज देते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने। लेकिन यहाँ पे हमारा तीन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला वाला हमारे इनविजिबल हैंड्स जो ऊपर जाते ही सेल बेचना चालू करते हैं, नीचे आते ही बाय करना चालू करते हैं। वो इनविजिबल हैंड्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उनका आपका क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा वाला है सीएनएच। अगर सीएनएच 7.292950 के ऊपर चले जाते हैं एंड सस्टेन करते हैं थर्ड वाला इज डॉलर इंडेक्स एंड फेड रेट कट रिलेटेड इवेंट, उसको हमें केयरफुली देखना है। अभी क्या है इलेक्शन रिजल्ट मंगलवार को आने वाले हैं, उसके बाद नए पॉलिसीज आएंगे, मार्केट इज एंटायरली फोकसिंग देयर, सो ये रेंज के अंदर में ही रहेगा। इस रेंज को जब तक ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रेंज है वो है आपका क्या रेंज, ये है ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का रेंज। इस रेंज इज क्रूशियल, हमें बहुत केयरफुली डॉलर रुपी का इस रेंज को नीचे की तरफ 80-80 ऊपर की तरफ 83 अगर मेजर प्ले करना है तो इस रेंज के ब्रेकआउट के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन